इन दिनों बिहार चर्चा में है। कभी बारिश कई वजह से पुल का गिरना तो कभी पेपर लीक में पूर्व डिप्टी सीएम का नाम आना। इन सब से अलग एक खबर और है तो किसी नेता कभी एक प्रतिज्ञा ली हुई थी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आखिरकार 22 महीने बाद अपनी पगड़ी उतार ही ली। सिर पर बंधी संकल्प की पगड़ी को सम्राट चौधरी ने रामलला की नगरी अयोध्या में उतार दिया। बुधवार 3 जुलाई की सुबह उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई और इसी तट पर मुंडन कराया। सम्राट चौधरी मंगलवार को पटना से अयोध्या शाम के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगल राज अराजकतावादियों को सत्ता से हटाने का संकल्प लेते हुए उन्होंने सिर पर पगड़ी बांधी थी। सरयू नदी पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले डुबकी लगाई और मुंडन कराया, साथ ही अपनी पगड़ी भी समर्पित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई। पिछले 22 महीनों से उनके पास मौजूद इस पगड़ी को भगवान राम को समर्पित कर रहे हैं। इस दौरान वही मौजूद उनके समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सम्राट चौधरी का डुबकी लगाते हुए वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिखा जा सकता है कि सरयू नदी में उन्होंने प्रणाम करते हुए पानी में डुबकी लगाई और अपनी पगड़ी को सिर से उतार कर फिर से डुबकी लगाई और पानी में चारों तरफ घूमकर प्रणाम किया। चौधरी के साथ पानी में उनके समर्थक भी साथ थे। सम्राट चौधरी ने सरयू तट से रामलला के दरबार तक पदयात्रा की। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, तब तक वो अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे। उन्होंने कहा कि 28 जनवरी को नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। सम्राट चौधरी ने कहा कि जब नीतीश साथ आए थे तभी उन्होंने कहा था कि वो अपनी पगड़ी अयोध्या में भगवान राम को समर्पित करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने 75% से ज़्यादा सीटों पर एनडीए को जीत दिलाई है, ऐसे में इंडिया गठबंधन किसी भ्रम में ना रहे। चौधरी ने कहा कि अगली बार बिहार में चुनाव में एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा और सूबे की सभी 40 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज करेगी। वहीं विधानसभा चुनाव में एनडीए बिहार की 243 में से 200 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन कितनी सीटें जीतता है। क्या आरजेडी गठबंधन 2 दशक बाद सत्ता में वापसी कर पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।